गोपाल राय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। गोपाल जी, आज मुलाकात करने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचे, चर्चा होनी थी लेकिन हंगामा हो गया। देखिए, हंगामा नहीं हुआ, चर्चा छोड़ के वो भाग गए। यहाँ पर सभी, क्योंकि कई दिनों से अफवाहें फैलाई जा रही थी, झूठ बोले जा रहे थे, उन्होंने बात करने के लिए समय मांगा था। मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को, पार्षदों को, इनके इन लोगों के साथ एक ओपन वार्ता के लिए बुलाया, और ये लोग सीलिंग पे बात नहीं करना चाहते हैं जिस तरह से, और इसलिए बात से भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि सीलिंग जो आज हो रही है उसको रोकने के लिए एक दो ही ऑप्शन है कि एक FIR बढ़ाया जाए मास्टर प्लान में, और दूसरा जो है कन्वर्जन चार्ज माफ किया जाए। बहुत अच्छा मंच था कि अरविंद केजरीवाल के घर पर तमाम नेता थे, MCD के मेयर थे, सांसद थे, यहाँ पे हल निकाला जा सकता था। बातचीत नहीं हो पाई, इस बात का दुख है, या फिर अब आगे और व्यापारियों की परेशानी बढ़ जाएगी, ये एक चिंता है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर भाजपा सचमुच इसका समाधान चाहती तो इससे बेहतर अवसर नहीं था, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बातचीत करके इसका समाधान निकालें। लेकिन अगर भाजपा इस तरह से भागती रहना चाहती है, समाधान नहीं करना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, नंबर वन। दूसरा, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि इस पर स्टे लगाया जाए। एक सवाल ये भी है कि जब चर्चा खत्म हो गई, हंगामा होना शुरू हो गया, तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि बदतमीजी की गई आम आदमी पार्टी के विधायकों और जो तमाम समर्थक है उनकी तरफ से धक्का मुक्की की गई, इसके लेकर वो शिकायत करने भी जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं ये सब? कुछ होना चाहिए था क्या? देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ पर सारे विधायक बैठे हुए थे, सारे कैमरे के सामने सारा कुछ एपिसोड हो रहा था। रही बात बाहर की, जो बात कर रहे हैं बाहर, व्यापारियों में कोई गुस्सा हो, क्योंकि व्यापारी नाराज हैं, वो उसकी बात मुझे नहीं पता। अगर व्यापारियों में कोई गुस्सा हुआ हो, कोई बात हुई हो, तो वो अलग मैटर है। यहाँ तो आपने देखा सारे विधायक बैठे हुए थे, वही बैठने को तैयार नहीं थे, वही चिल्ला रहे थे।